शासन से मनवा के ही रहेंगे। बड़वानी में आज भाजपा जिला अध्यक्ष ओम खंडेलवाल ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस के 6 माह के कार्यकाल पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने कागजों के ऊपर अपने वचन पत्र को पूरा किया है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। पिछले 6 महीने में समृद्ध मध्य प्रदेश को कांग्रेस सरकार ने अराजकता, अशांति, अपहरण और हिंसा का गढ़ बना दिया है और ट्रांसफर उद्योग खोल दिया है। बीते 6 महीनों में 15 वर्षों के बाद प्रदेश में फिर एक बार डकैतों की वापसी हुई है। चित्रकूट की घटना से पूरे प्रदेश में भय, आतंक, अराजकता का माहौल बन गया है। इंदौर में दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण हुआ, चित्रकूट में अपहरण और हत्या हुई और गृह मंत्री ही लापता रहे। 6 महीने में प्रदेश की जनता ने देखा है कि प्रदेश को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2.5 मुख्यमंत्री चला रहे हैं। प्रदेश की जनता को एक नया अनुभव हुआ है कि राज्य में मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक सुपर सीएम है। मंत्री बुजुर्ग किसानों को बीड़ी, खैनी, तंबाकू खिलाने की बातें करने लगे हैं। सरकार ने 1 मुश्त 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन अब इस कर्ज माफी को सरकार चरणों में बांट रही है। दूसरे चरण की घोषणा 2 दिन पहले ही की गई है, जिसमें 50,000 तक के कर्ज माफी की बात कही गई। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ओम खंडेलवाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बड़वानी। किस तरह से विफल रही है कांग्रेस सरकार 6 महीने में? 6 महीने में कांग्रेस सरकार कर्जे के मामले में फल रही है और जो वचन पत्र में उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता, उसमें फल रही है। लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं बना पा रही है प्रदेश के अंदर और सिर्फ तबादला उद्योग कर चला कर तबादले भारी भरकम मात्रा में कर रही है। 500 IAS और IPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं और पूरे प्रदेश में सब मिलाकर 15,000 तबादले विगत 6 माह में हुए हैं। प्रभारी मंत्री को लेकर अभी आपने कहा है कि वो डमी है एक तरह से। देखो, प्रभारी मंत्री ने कल जिले के अंदर पत्रकार वार्ता करी, वो पुराने पूर्व 6 माह में जो कार्य सरकार ने किए उसको लेकर पत्रकार वार्ता करी, लेकिन जिले के अंदर क्या हुआ यह बताने में वो असफल रही। इसलिए ऐसा लगता है कि प्रभारी मंत्री को जिले के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो जानकारी हासिल करना भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो डमी के रूप में काम कर रही है। अभी आपने बताया जो हत्याएं हुई चित्रकूट और इंदौर में, गृह मंत्री का बार बार कहना है इसमें BJP का हाथ रहा है, हर बार जब भी घटनाएं घटी उन्होंने BJP को ही टारगेट किया है। वो तो क्या है कि उनकी मानसिकता ही ऐसी है गृह मंत्री जी की, वो आरोप लगाते रहते हैं। आरोप लगाने से उनके दायित्व का छुटकारा नहीं मिल सकता। वो गृह मंत्री है, वो अपराधियों को पकड़ना चाहिए, यह उनका दायित्व है। आरोप लगाना उनका दायित्व नहीं है। 6 महीने की कमलनाथ सरकार को कार्यकाल पर कैसा आते हैं? सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है और फ्लॉप होने के कई कारण हैं, क्योंकि सरकार एक व्यक्ति की चला रहा है, 2.5 CM चला रहे हैं सरकार, उसके कारण भी सरकार फेल हो रही है, क्योंकि सबके अलग अलग व्यू है और सबके अलग अलग फैसले होते हैं। इसके कारण कई बार कांग्रेस सरकार को यू टर्न लेना पड़ता है, जैसे भावांतर योजना में लिया, मीसाबंदियों की पेंशन में लिया, इस तरह से एक फेल फ्लॉप सरकार है।